नमस्कार, स्वागत अभिवादन आपका, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दोबारा आने के बाद अपराधियों में, बदमाशों में, गुंडों में, माफियाओं में सबसे ज्यादा खौफ देखने को मिल रहा है। अपराधी जो वांछित अपराधी हैं, वांटेड क्रिमिनल हैं, वो आत्मसमर्पण के लिए थानों में पहुंच रहे हैं और इस खौफ का कारण है बुलडोजर। अपराधी के घर पर बुलडोजर चलना, रोज कहीं ना कहीं खबर ये आ रही है बुलडोजर दौड़ रहा है, बाबा का बुलडोजर कहर ढा रहा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बारूद आ रहा है, अब बुलडोजर पुराना मसला है, डायनामाइट का जमाना आ रहा है और इसी डायनामाइट से अब भू माफिया की हवा टाइट हो जाएगी। डायनामाइट और हवा टाइट, वाह क्या संयोजन है। इसीलिए मंथन में आज बात करेंगे हम बुलडोजर के बाद डायनामाइट। विधानसभा चुनाव 2022 यानी अभी जिसका रिजल्ट 10 मार्च को आया है, अभी वही महीना मार्च महीना के बाद अप्रैल आया है किसी तरीके से, तो अभी एक महीना भी पूरी तरीके से नहीं हुआ, 10 तारीख को एक महीना होगा। चुनाव के समय ही उत्तर प्रदेश में एक शब्द बहुत चर्चित, फेमस हुआ, वो है बुलडोजर। और सबसे पहले अगर किसी टीवी चैनल ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति या उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रचार या उत्तर प्रदेश का चुनाव बुलडोजर के इर्द गिर्द सिमट रहा है तो वो के न्यूज है। और इसी मंथन कार्यक्रम में हमने सबसे पहले कहा था कि यूपी का चुनाव बुल और बुलडोजर में सिमटा। धीरे धीरे चुनाव में बुलडोजर ब्रांड बन गया और फिर बुलडोजर बाबा हो गए, यानी योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा और उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया कि भाई उन्हें बुलडोजर बाबा कहने में कोई एतराज नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी सभाओं में महाराज ये कहते रहे कि भाई अगर सरकार आई तो ये बुलडोजर आएगा, एक हाथ में विकास की छड़ी होगी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टेयरिंग। विपक्षी नेता अखिलेश यादव कह रहे थे कि बुलडोजर अब लग रहा वर्कशॉप में चला गया है। उस वक्त भी हमने कहा था कि अगर कोई चीज़ वर्कशॉप में जाती है तो सर्विस होकर आती है और उसकी कार्य क्षमता, ताकत थोड़ा बढ़ जाती है या स्मूथ हो जाता है। और बुलडोजर सर्विस के बाद मैदान में है धड़ाधड़। पिछली बार आरोप लगे थे कि भाई कुछ खास पंथ, मजहब, मत के लोगों पर बुलडोजर चल रहा है, कुछ जाति विशेष के लोगों पर बुलडोजर चल रहा है। इस बार बाबा ने बुलडोजर को भी समाजवादी कर दिया, समाजवादी तरीके से। ये अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी नहीं, लोहिया जी वाला समाजवाद। बीजेपी इससे थोड़ा एतराज करती है, इसके नेता भी। तो समाजवादी तरीके से बुलडोजर चल रहा, दय धड़ाधड़, दय धड़ाधड़ चारों तरफ, जहां देखो वहीं पुलिस बुलडोजर लेकर जा रही है। कल एक सज्जन हमको कह रहे थे कि बुलडोजर वालों ने किराया बढ़ा दिया है, जब से बाबा ने इसको ब्रांड बनाया है उत्तर प्रदेश का और योगी बाबा का नाम बुलडोजर से जुड़ा है, तब से बुलडोजर वालों ने रेट बढ़ा दिए। जिस काम के लिए वो 5,000 लेते थे, अब कह रहे हैं भैया सरचार्ज भी देना पड़ेगा 2,000। और पुलिस ने तो इलाके के बुलडोजर वालों को, जैसे कभी पुलिस गश्त के लिए, जब गाड़ियाँ इतनी नहीं हुआ करती थी तो पुलिस टेम्पो वालों को पकड़ लिया करती थी और सारी रात घुमाया करती थी, डीजल डलवाया नहीं डलवाया प्रभु मालिक। लेकिन इसी तरीके से बुलडोजर वालों की आफत आ गई, पुलिस उन्हें पकड़ पकड़ कर कहीं इसका घर गिराना, कहीं उसका घर गिराना इस काम में लगाए हुए, क्योंकि पुलिस के पास अभी अपने बुलडोजर तो है नहीं, होंगे 2-4 तो मुझे पता नहीं, लेकिन अब तो जिस हिसाब से बुलडोजर चल रहा है, अब वो हर थाने में एक बुलडोजर की ज़रूरत है, जैसे एक जीप की ज़रूरत है उसी तरीके मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बाबा जी हर थाने में एक बुलडोजर भी दे देंगे। चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि
कि ये बुलडोजर उत्तर प्रदेश के निर्माण का प्रतीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है, सुरक्षा का प्रतीक है। और जब ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर उसके सबसे उत्तर प्रदेश में उसके सबसे बड़े नेता योगी आदित्यनाथ ने ये बातें एस्टैब्लिश कर ली, तो चुनाव में माता बहनों ने इसी आधार पर योगी बाबा का चेहरा देखकर झवुआ भर वोट दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो कुल वोट मिले हैं उसमें 40% वोट योगी आदित्यनाथ के चेहरे को देखकर मिले हैं, यानी उनके चेहरे पर लोगों ने डाला कि भाई ये हम अगर उम्मीदवार नाकारा है, उनकी पसंद का नहीं है, अच्छा आदमी नहीं है, भाजपा से भी नाराज हैं, तो उनका भाई योगी बाबा को वोट देंगे हम, तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लोगों ने वोट दिया। चुनाव खत्म हुआ, सरकार बनी, तो फिर बुलडोजर की रफ्तार बढ़ी। हम देख रहे थे उत्तर प्रदेश की राजधानी समेत पूरे प्रदेश में बुलडोजर ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा था, बिल्डिंगें जमी दोज हो रही थी। अब तो जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है तालाब की ज़मीन पर, नजूल की ज़मीन पर, कब्रिस्तान की ज़मीन पर, LDA KDA जितने DA हैं यानी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, उनकी ज़मीन पर अब धाएँ धाएँ बुलडोजर चल रहा है, धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में डायनामाइट युग की शुरुआत हो गई, इसे हम डायनामाइट युग कहेंगे, क्योंकि अभी तक ये डायनामाइट माइंस में इस्तेमाल किया जाता है सीमा पर, या खनन के लिए इस्तेमाल किया जाता है बड़ी बड़ी चट्टाने तोड़ने के लिए, वही बहुत होशियारी से। लेकिन अब इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में रिहायशी इलाकों में हो रहा या होगा, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है अपराधियों के बहुमंजिला घर अपार्टमेंट गिराने के लिए। इसके लिए भोपाल से एक विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है और 400 से ज़्यादा मकान और बिल्डिंग चिन्हित कर लिए गए हैं जिन्हें डायनामाइट से उड़ा दिया जाएगा। कुल मिलाकर अब डायनामाइट हो सकता है कि अखिलेश यादव, जैसे उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा था, हो सकता है वो आगे नाम दे दें कि भाई डायनामाइट बाबा, हो सकता है ये नाम दे सकते हैं। अब लखनऊ में सबसे पहले इसका प्रयोग होने जा रहा है, डायनामाइट का प्रयोग ऊंची और बहुमंजिला इमारतों को गिराने में किया जाए, क्योंकि बड़ी इमारतों को गिराने में बुलडोजर सफल नहीं है और उस बुलडोजर के दबने और कैजुअल्टी का भी खतरा होता है और काफ़ी समय बर्बाद होता है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश की लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA ने बड़ी बिल्डिंग्स को गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। भोपाल से जो विशेष दस्ता आएगा वो आकर यह तय करेगा कि कोई अवैध इमारत को गिराने के लिए कितने डायनामाइट की छड़ों की ज़रूरत होगी और बिल्डिंग में कहाँ कहाँ डायनामाइट लगाया जाएगा। अब तक विदेशों में बिल्डिंगों को गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाता रहा है और अब यहाँ किया जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश इसमें भी अग्रणी है। डायनामाइट से बिल्डिंग्स को उड़ाने का जो क्रेडिट मिलेगा वो उत्तर प्रदेश को मिलेगा। तो ये हुई कथाकाया, कथाकाया। हाँ, हमारी प्रोड्यूसर अक्षया ने आज हमारा ही शब्द हमें ही पलट कर दे दिया, कथाकाया, अच्छा लगा मुझे। लेकिन क्या 2024 के लिए ये बुलडोजर के बाद अब एक नया यंत्र, एक नई टेक्नोलॉजी निकाल कर लाई जा रही, डायनामाइट? क्योंकि भाई बुलडोजर से 2022 की सत्ता तो प्राप्त कर ली भारतीय जनता पार्टी ने, अब क्या डायनामाइट 24 की सत्ता तक ले जाएगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि बुलडोजर वाले बाबा बुलडोजर के लिए, ये बुलडोजर वाले बाबा और बुलडोजर ब्रांड बन गया है पूरे देश की राजनीति में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा कहते हैं, अब वो भी बुलडोजर का जाप कर रहे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर दबाव डाल रही कि भैया योगी मॉडल लागू करो, बुलडोजर चलवाओ और लोकसभा में ज्यादा सीटें जीतो। लेकिन नीतीश कुमार मान नहीं रहे, कह रहे हैं भाई वो यहां बिहार में नीतीश मॉडल चलेगा, बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा, फिलहाल वहां कसमकस है। और राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी कहते हैं कि
मुझे लगता है यही वजह नीतीश कुमार की विदाई का कारण भी बन जाए। तो हम आज कई सवाल रख रहे हैं कि अगर बुलडोजर 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला सकता है तो क्या डायनामाइट 2024 के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या हर साल की तरह इससे आगे भी भारतीय जनता पार्टी कुछ लाएगी। हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो फैसला ऑन द स्पॉट चाहते हैं, ना कोर्ट ना कचहरी, फैसला ऑन द स्पॉट, ऐसे फैसला ऑन द स्पॉट चाहने वालों की संख्या बहुत है। और ट्विटर में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ले लेकर भाग रहे हैं लोग कि भैया अपराधी पकड़ो, गोली से शूट कर दो, कानून वानून का कोई मतलब नहीं, कोर्ट कचहरियाँ बंद कर दो। मुझे लग रहा है कि हो सकता है अगर डायनामाइट से बिल्डिंगें उड़ने लगेंगी तो हो सकता है कुछ लोग ये भी मांग करने लगें कि भाई जो अपराधी पकड़ा जाए उसको तोप में बांध के उड़ा दो, जैसे कोरिया में कोरिया का तानाशाह उड़ा देता है। इस तरह की मांगें भी उठ सकती हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो डायनामाइट अच्छी बात है, लेकिन इसका भी कोई और विकल्प क्या हो सकता है? क्या इन बिल्डिंगों का कोई उपयोग हो सकता है? सरकार इसको जब्त कर ले और इनका उपयोग गरीबों के हितों में करे, इनको जमींदोज करने, इनको नष्ट करने के बजाय, क्योंकि करोड़ों रुपया ऐसी बिल्डिंगों में लगता है और कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से यह पैसा तो सरकार का ही है, आम आदमी का ही है। अगर कोई माफिया पैसा अर्जित करता है लोगों को चूस कर, तो वो भी जनता का पैसा है। तो क्या इस बर्बादी के अलावा भी हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं? मंथन में आज जब हम मंथन का विषय तय कर रहे थे तो मेरे मन में, मेरे जहन में बार बार वही डायनामाइट आ रहा था कि भाई डायनामाइट से जब भवन उड़ाए जाएंगे तो किस तरीके का माहौल बनेगा, क्या दृश्य होगा, किस तरीके का एम्बियंस उत्तर प्रदेश और देश में जाएगा, क्या ये क्या है, ये क्या ऐसा करना जरूरी है? क्या इन बिल्डिंगों को, इन बिल्डिंग्स को सरकार कुर्क करके, जब्त करके इनका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकती? जैसा कह रहे हैं कि भाई माफिया की जमीन, माफिया की बिल्डिंग गिराकर हम गरीबों को आवास बनाएंगे, तो गरीबों को दुकानें दे दें इसमें, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, अगर फ्लैट है तो गरीबों को फ्लैट दे दें, उसको नीलाम करके, उसको जब्त करके, उसको नीलाम करके उससे अर्जित धन को कहीं गरीबों के हित में लगा दें। तो ये सबसे बड़ी, ये कई सारे सवाल हैं हमारे पास। हमने कहा था कि हमारे सहयोगी मोहम्मद शफी को जोड़ा जाए, मुझे लगता है कुछ तकनीकी खामी है, क्योंकि मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि जो हमारे लखनऊ के साथी हैं जो एलडीए देखते हैं, अगर उनको फ़ोन लाइन पर जोड़ दिया जाए तो कुछ बातें मैं उनसे करना चाहूंगा। लेकिन इस बीच देश के जाने माने राजनीतिक समीक्षक और परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं बुलडोजर के हिमायती राघवेंद्र सिंह राजू जी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका के न्यूज़ पर। राघवेंद्र जी, सुबह ही हमारी आपकी चर्चा हो रही थी कि भाई बुलडोजर चल रहा है, इससे तालाब खाली हो जाएंगे, माफिया की रीढ़ टूट जाएगी। हम लोग तमाम विषयों पर चर्चा कर रहे थे कि भाई ये बाबा जी का बुलडोजर अब केवल और केवल जो 150 लिस्टेड माफिया हैं उसके अतिरिक्त भी जो जिले जिले, शहर शहर माफिया हैं जिन्होंने जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर और दूसरे लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, उन पर चलने की दिशा में वो कदम बढ़ा चुका है, यानी बुलडोजर का स्टेयरिंग मुड़ चुका है दूसरी तरफ। लेकिन अब ये खबर आई कि भाई अब तो भवनों को डायनामाइट से उड़ाया जाएगा, इसे किस तरीके से देखते हैं राघवेंद्र जी, डायनामाइट कल्चर को किस तरीके से देखते हैं? देखिए दुर्गेन जी, एक बात तो साफ है कि देश में जो कानून व्यवस्था और लाइन ऑर्डर अगर खराब होता है उसमें मैं मानता हूँ कि 80% कानून और सुरक्षा और जो अपराध रोका जा सकता है उसके पीछे बहुत बड़ा
जमीनी मुकदमों का एक बहुत बड़ा सिलसिला जो है आपने देखा होगा, न्यायालय से लेकर के जिलाधिकारी के कार्यालय और एसडीएम तक और तहसीलदार तक अधिकांश मुकदमे जो है वो जमीनों से ही संबंधित रहते हैं। और ये भी बात सच है कि पिछली सरकारों में चाहे कोई सरकार रही हो, चाहे सपा की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, लेकिन जमीनों पर बहुतायत जमीनें जो आप देखते थे खलिहान की जमीनें हुआ करती थी, कभी ग्राम समाज की जमीनें होती थी, कभी चारागाह की जमीनें हुआ करती थी, कभी तालाब की जमीनें हुआ करती थी, ऐसे बहुतायत मामले भी आपके संज्ञान में आए होंगे। यहाँ तक कि आपने देखा कि सरकारी अभिलेख में जो दर्ज हैं ऐसे तमाम मामले उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में अगर सही तरीके से सीमांकन कराया जाएगा तो बहुत बड़ा ये मामला जो है राजस्व के साथ में, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये भी सोचना हो सकता है कि इससे अपराध पर लगाम तो लगेगा लेकिन साथ में अगर बुलडोजर चलेगा तो लोगों में जो भय और व्याप्त करके गुंडागर्दी करके, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, सारे लोगों को एक नई नसीहत या नजीर मिलेगी। ऐसे मामले कई आपने देखे हो, एक बार मैं रिपोर्टिंग कर रहा था फरकाबाद, आपने देखा हो टिक्की ताल पूरा अशोक रस्तोगी जी, श्री भगवान रस्तोगी जी, राजू रस्तोगी जी, पूरी जमीन की जमीन जो है वो टिक्की ताल वाली वो कृषि भूमि में वहां के लेखपाल जो भी रहे, हाँ समझ लीजिए जो लेखपाल आज भी शहरों में रह रहे हैं वो लंबे समय से शहरों में कानून को लेखपाल बनकर के इन तमाम जमीनों के खेल में लगे हुए, अगर उनकी भी संपत्ति की जांच इसके साथ में अगर कहीं मुख्यमंत्री ने करा दी तो आप विश्वास मानिए कि जो आज आप बात उठा रहे हैं बुलडोजर की, ये बुलडोजर से तमाम देश और प्रदेश में खुशहाली तो आएगी और जो तमाम लोग संक्रमण कर लिए हैं जमीनों पर वो जमीनें भी लोगों की खाली हो जाएंगी। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी बहुत अदब के साथ आपको रुकना चाहूंगा। हमारे लखनऊ के वरिष्ठ सहयोगी प्रणवीर पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणवीर पांडे लंबे समय से विकास प्राधिकरणों को देखते हैं, खास तौर पर एलडीए और पूरे प्रदेश के विकास प्राधिकरणों का गुणागणित, वहां की स्थितियों को समझते हैं और ये डायनामाइट कल्चर उत्तर प्रदेश में आ गया है। अब जो अवैध इमारतें हैं, जो बहुमंजिला बनी हैं, उन्हें अब सरकार डायनामाइट से उड़ा देगी। प्रणवीर पांडे के पास चलते हैं। प्रणवीर, ये एक तो खबर क्या है दर्शकों को बताइए और फिर इसके क्या क्या इसमें अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, साइड इफेक्ट क्या होंगे इसके? जी निश्चित तौर पे आपको बता दें कि जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण में लगातार लगभग 1000 से ज्यादा ऐसे केसेज हैं जिनको लखनऊ विकास प्राधिकरण में ध्वस्तीकरण का तो आदेश हो चुका है लेकिन कहीं ना कहीं संसाधन की कमी की वजह से, जो बिल्डिंगें चारों तरफ से बन गई हैं उसकी वजह से, जो बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बन गई हैं उसकी वजह से लखनऊ विकास प्राधिकरण गिराने में कहीं ना कहीं असक्षम हो रहा है। लगातार बिल्डिंगें बन रही हैं, लगातार उनको गिराने के काम भी शुरू हो रहा है लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से बिल्डिंगों का बनना लगातार शुरू हुआ है और उसका एक एवरेज अगर देखा जाए तो वो तोड़ने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। अब अगर एक जोन की बात करें लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोन 5 की, तो जोन 5 में अगर पिछले 3 महीने की बात करें तो लगभग 150 से 200 ऐसे अवैध निर्माण हैं जिनको गिराने का आदेश लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दे दिया है। मतलब कि ये प्रकरण एक जोन का है, लखनऊ के अंदर 7 जोन है। अगर इसका एक एवरेज देखा जाए तो 500 से 700 फाइलें ऐसी हैं जिनको गिराने का आदेश दिया गया है, लेकिन अगर इन टाइम के बीच में अगर गिराने का एवरेज देखा जाए तो लगभग 5 से 7 अवैध निर्माण है। इसको लेकर के जब लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी से जब के न्यूज के स्पेशल बातचीत हुई तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब हम डायनामाइट का प्रयोग करेंगे, मतलब ऐसे जगह पर प्रयोग करेंगे जहां पर चारों तरफ से खाली हो, यानी कि अगर कोई बिल्डिंग गिर रही है तो अगल बगल किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि अगर पर्टिकुलर किसी एक बिल्डिंग को गिरने का आदेश हुआ है तो वो उसी बिल्डिंग को गिरा सकते हैं, बगल की बिल्डिंग को किसी भी प्रकार से क्षति ना हो। कई ऐसे कंजेस्टेड एरिए हैं लखनऊ का, अगर पुराना नखास पकड़ लिया जाए, कैसरबाग पकड़ लिया जाए, आलमबाग मार्केट पकड़ लिया जाए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है सुनसान इलाकों में बनी जिसके इर्द गिर्द कोई निर्माण ना हो 500 मीटर, क्योंकि डायनामाइट की जो धमक है वो आसपास की बिल्डिंगों को भी चटका देगी, आसपास के जो रिहायश है उसको उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाएगी। तो ये कितना सफल होंगे, कहीं तो नहीं खाली की केवल प्रचार करने के लिए कि भाई बुलडोजर के बाद अब डायनामाइट, डायनामाइट के बाद अब तोप आ जाए, तो ये अधिकारियों में होड़ लग गई है कि, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जहाँ देखो पुलिस और अधिकारी बुलडोजर लिए घूम रहे हैं, ट्विटर पे फोटो डाल रहे हैं दह दनादन। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब सरकारी अमला एक अलग दिशा में चल पड़ा है सब आसी लेने के लिए?
तो क्या ये सब चीजें डायनामाइट उड़ाने के बाद इस तरह की योजनाएं क्या मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में है? क्योंकि ये बड़ा असंभव सा लग रहा है अभी फिलहाल, अगर कर दें तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप खुद ही इस बात का जवाब दे रहे हैं कि रिहायश के बीच में जो बिल्डिंग बनी उनको डायनामाइट से नहीं तोड़ सकते, वो कहीं बाजार हैं, कहीं मॉल हैं, कहीं अगल बगल के फ्लैट हैं, तो ऐसी मुझे लगता है अगर 700 इमारतें हैं तो मुश्किल से 50 इमारतें होंगी जो सुनसान में होंगी और उनको ढा सकते होंगे। तो क्या इस संदर्भ में आपकी लखनऊ विकास प्राधिकरण और जो नगर आवास विभाग है, यानी आवास विभाग उत्तर प्रदेश का जिसके अंतर्गत सारे प्राधिकरण आते हैं, इस संदर्भ में कोई बातचीत हुई है, कोई स्थिति स्पष्ट हुई है प्रणवीर? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अगर सबसे पहला इंटरव्यू अगर डायनामाइट का दिया है तो के न्यूज की आईडी पर दिया है। 3 दिन 4 दिन पहले जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी से जब खास बातचीत हुई है तो सबसे पहला इंटरव्यू के न्यूज पर ही अक्षय त्रिपाठी ने दिया है और उसके साफ तौर पर उन्होंने डायनामाइट शब्द का प्रयोग भी किया है। उस पर हमने सवाल भी किया था कि अगर रिहायशी इलाके हैं तो आप डायनामाइट किस तरीके से उसको उड़ाएंगे, बगल की बिल्डिंग प्रभावित होगी, तो उस पर साफ तौर पर एलडीओ उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी का कहना था कि जो सुनसान इलाके में रो हाउसेस बन रहे हैं, बड़े बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, विलास बन रहे हैं, ऐसे जगह पर हम उसको प्रयोग करेंगे जहां किसी दूसरे प्रकार की के बिल्डिंगों को क्षति ना हो। दूसरी तरफ क्या है, इसकी जो एक धमक है, जो इसका एक प्रकोप है, उसको भी बहुत बड़ी प्रयोग तरीके से करेंगे कि ऐसा इसको प्रयोग करेंगे कि ताकि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत उसमें ना होने पाए। कई ऐसी समस्याओं को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पहले ही एनालिसिस किया है। दूसरी चीज उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उसका जो प्रभाव होता है, डायनामाइट्स का प्रभाव होता है, अगर बिल्डिंग के हिसाब से उसमें उसका प्रभाव सेट होगा कि ताकि अगल बगल की बिल्डिंगों को, जैसा आपने कहा 500 मीटर तक धमक जाता है, तो वो उसके प्रभाव के ऊपर डिपेंड करता है कि 500 मीटर तक जाएगा या 200 मीटर तक जाएगा। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो इंजीनियर हैं, जो टेक्निकल चीजों को देखते हैं, उनके साथ बैठ करके एक बाकायदा पूरी सर्वे हुई है और सर्वे होने के बाद इस चीज पे लाया गया है। दूसरी तरफ क्या है कि जो जेसीबी है, जो इनका बुलडोजर है, उस जेसीबी बुलडोजर के माध्यम से चलाएंगे। दूसरा जो पंच करने का एक सिस्टम है, अभी कुछ ही दिन पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण ने हजरतगंज में एक बहुत रिहायशी बिल्डिंग गिराई थी जो एक माफिया का था, उसको जब वो एनालिसिस किया, उसमें एडीएम इलाहाबाद से बुलाए गए थे। एडीएम ने इस तरीके से उस बिल्डिंग को गिराया कि जो उनका प्लान था, जिस तरीके से वो बिल्डिंग गिराना चाह रहे थे, उस तरीके से बिल्डिंग नहीं गिरी, बिल्डिंग पूरी जेसीबी के ऊपर गिर गई। खैर कुशल इतना रहा कि ड्राइवर को बचा लिया गया, ड्राइवर पूरी जेसीबी उसके अंदर दब गई, सारी जेसीबी मिल करके मलबे को हटाई और मलबे को हटाने के बाद तब जाकर के कहीं ना कहीं ड्राइवर की जान बची। तो कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण एक बार धोखा खा चुका है, दोबारा धोखा खाने का कोई भी रिस्क नहीं लेगा। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि अधिकारियों में होड़ लगी है किसी न किसी बात को लेकर के कि वो दिखावा करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री तक अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, वो एक अहम बिंदु है। निश्चित तौर पे अधिकारी बिंदु बढ़ाना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से बुलडोजर का एक प्रकोप चल रहा है, बुलडोजर जिस तरीके से गिराए जा रहे हैं, उसमें खास बात ये भी रखी जा रही है, जो जिला अधिकारी अक्षय प्रकाश से बातचीत हुई उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सरकारी जमीन है, तालाब है, चाहे गड्ढे हैं, चाहे पट्टो, इस तरीके से जो जमीन है, जो बंजर की जमीन है, जिन्होंने कब्जा किया, नजूल की जमीन है, जो सरकारी भूमाफियाओं ने कब्जा करके रखा है, जो बिल्डर बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े भूमाफिया हैं, पहले इनको चिन्हित किया गया है, पहले इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, इससे भूमाफियाओं के अंदर एक धमक भी आ रही है, एक डर भी हो रहा है कि किसी भी प्रकार से सरकारी जमीन पर अगर कब्जा करेंगे तो निश्चित तौर पे बुलडोजर चलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि जो सरकारी जमीन, तालाब, पोखर, बावली पर जो कब्जे हो गए हैं, मकान बन गए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाकर बेच दी हैं, उन पर पहले कार्रवाई होगी, उनकी सूची बनाई गई है। लेकिन एक रिस्क इसमें जरूर है कि तमाम ऐसे लोगों को बेच दिया गया होगा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, पूरे रिटायरमेंट का पैसा, अपना जो पीएफ का पैसा लगाकर वो भूमाफिया माफिया के जाल में फंस गए होंगे और उनके मकान अगर गिरेंगे तो एक विस्थापन की बड़ी समस्या आएगी। राघवेंद्र जी, आपने हमारे रिपोर्टर को सुना, आप जो लखनऊ से तमाम चीज़ों को बता रहे थे, ये किस तरीके का एक उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई का कल्चर, अच्छी बात है, हम इसके समर्थन में खड़े हैं कि भाई जो वर्षों में नहीं हुआ, जो कभी नहीं हुआ, वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, इसके लिए उनको शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन जो डायनामाइट से उड़ा देंगे, तोप से उड़ा देंगे, ये चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी और क्या इससे
कहीं एक अलग तरीके का माहौल नहीं बनेगा प्रदेश में? नहीं दुर्गेन जी, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान स्थितियां चल रही हैं, उन स्थितियों में 2023 का विधानसभा चुनाव भी बहुत निकट है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी इस बात को कह रहे हैं, आज आपने देखा हल्द्वानी में भी काफी कसके बुलडोजर चला, तो प्रदेश भर में और देश भर में अब ये बात भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में आ चुकी है कि बहुत बड़ा राजस्व भी इससे जुटाया जा सकता है। लेकिन एक बात सही है दुर्गन जी कि कुछ अधिकारी, जैसे मुझे मालूम है कि फरकाबाद में महल है, कोतवाली के निकट था, लेकिन उसका आदेश नगर पालिका ने किया, जर्जर था वो 130 साल पुराना, और उसमें कुछ किराएदार जो कहीं अपने को अति कहमत का बताते हैं, कभी मुख्तार का बताते हैं, साजिद इकबाल क्या क्या नाम से लोग हैं, लेकिन उन आदेशों को कई बार मैंने देखा किया और कई बार आदेश को पलटा। तो अधिकारी के ऊपर भी मुख्यमंत्री जी को ये निगाह रखना पड़ेगी, रडार पर रखना पड़ेगा कि आखिरकार सिटी मजिस्ट्रेट क्यों क्या उनकी परेशानी रही, आदेश किया फिर बदला फिर आदेश किया, तो ऐसे कई और जिलों में भी ऐसे संज्ञान में आ सकते हैं। तो ये मैं फरकाबाद का आपके सामने फोकस रख रहा हूँ कि कोतवाली फरकाबाद के अंतर्गत और इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय से वहां के पुलिस प्रशासन को और नगर पालिका को कई बार पत्र भी आए, कोतवाली को भी पत्र आए कि ये तमाम शहर के जो लोगों ने कब्जे कर रखे हैं और कोई पक्की प्रॉपर्टी बताता है, कोई फर्जी कागज लगाता है, कोई सिविल सूट की बात करता है, तो अब उत्तर प्रदेश सरकार ये समझ चुकी है कि कानून का राज है और कानून के धंधे में जो भी होगा, और जहां तक डायमंड हार्वेस्ट की बात मैं समझ रहा हूँ वो ऐसे स्थलों पर वो प्रयोग कर रहे होंगे जहां बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ आबादी नहीं हो, तो जहां बहुत बड़ी आबादी नहीं है तो उसमें राजस्व खर्चा भी नगर पालिका को वसूलना है। जिन लोगों ने अवैध एलडीए से या किसी भी बिना उसके अनाधिकृत रूप से प्लाट बेचे हैं, जो स्वामित्व नहीं था, बहुत से लोगों ने तो बिना स्वामित्व के ही एक एक प्लाट कई बार बेच दिए, तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और मैं समझता हूँ सपा के गढ़ में खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी, मैं समझता हूँ विधान परिषद का चुनाव भी चल रहा है, विधान परिषद चुनाव के बाद 15 तारीख के बाद आप देखेंगे बुलडोजर की कीमत भी बढ़ने लगी बाजार में, अब लोग बुलडोजर भी खरीद रहे हैं और बुलडोजर का फोटो भी डाल रहे हैं, सेल्फी, एक नया प्रचलन आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि 2024 का जो चुनाव है, माननीय उत्तर प्रदेश का जो रास्ता है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड मध्य प्रदेश जो चुनाव से है, शिमला का भी जो चुनाव होगा, मैं समझता हूँ ये रास्ता निकालने और लोगों में एक आकर्षण की सेल्फी भी लोग खिंचा रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ सरकार को वर्तमान में राजस्व की बहुत बड़ी जरूरत है, तो आज जो राजस्व सरकार को प्राप्त हो सकता है, बहुत बड़ा राजस्व सरकार को इन जमीनों को खाली कराने के बाद प्राप्त होगा, और निश्चित तौर पर हर घर को, हर व्यक्ति को एक मकान देने का जो संकल्प लिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, तो वो मैं समझ रहा हूँ सरकारी कार्य योजनाओं में, जो की इलाहाबाद में जो जमीनें इन्होंने ली थी वो इन्होंने लोगों को आवंटन कर दी, प्लाट भी आप मकान बना करके सस्ते दर पर लोगों को उपलब्ध कराए। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, अच्छी बात है, एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम होना चाहिए, सरकारों को जनता के हित में काम करना चाहिए, माफियाओं से छीन कर गरीबों को मकान मिलने चाहिए, हम इसके हिमायती हैं। लेकिन जो तरीके हैं कि अधिकारी मनमानी कर सकते हैं, उन मकानों को भी जमींदोज किया जा सकता है, इससे बहुत सारे लोग सड़क पर भी आ सकते हैं और एक इंटर कॉन्फ्लिक्ट भी कहीं ना कहीं तैयार हो सकता है, इस बात के भी खतरे हैं इसमें, और डायनामाइट वाले पे तो खतरे मुझे लग ही रहे हैं इसमें। अच्छी बात है कहीं सुनसान बियाबान में कोई बड़ी बिल्डिंग हो उड़ा दीजिए उसको, जड़ से उखाड़ के फेंकिए, जमीन भी खोद दीजिए, लेकिन अगर कहीं बस्ती में कितना भी डायनामाइट, कितने भी उसकी मात्रा छड़ें और कितना भी वो कर दें, मैंने देखा है डायनामाइट के विस्फोट चट्टानों में कि आस पास किलो दो किलोमीटर तक चट्टानें उछल कर जाती हैं, ये बहुत संभल सोचकर करना चाहिए, प्रचार तंत्र का माध्यम नहीं, ये बड़ा सीरियस काम है, अधिकारियों को भी इसमें सीरियस होना चाहिए और सरकारी तंत्र जो निगरानी कर रहा है उसको भी इसमें सीरियस होना चाहिए। एक बात बहुत महत्वपूर्ण राघवेंद्र जी ने कही कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर नैरेटिव सेट किया वो अब उत्तर प्रदेश से निकलकर मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, धीरे धीरे पूरे देश में एक बुलडोजर नैरेटिव सेट हो रहा है, और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ये बुलडोजर और डायनामाइट
निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्य हथियार होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं।